सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉगिंग आरती दीप में। तो दोस्तों देखो अभी हम बैठे हैं छत पे, ये देखो खटिया पे अभी हम बैठे हैं और इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि खेतों में धान लगने वाला है और जब खेतों में धान लगेगा तो हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो आज हमारे यहाँ खेतों में धान और लग भी गया है और लग भी रहा है और बेड़ों को आज उखाड़ा भी जा रहा है, तो हम सोचे क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ दो दिन से इतनी बेकार लाइट आ रही है, इतनी डिम लाइट आ रही है कि जैसे लग रहा लाइट है ही। हमारे यहाँ इतनी बारिश हो रही थी लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब हम बताएं बारिश भी नहीं हो रही और गर्मी इतनी भयानक है कि मैं आपको क्या बताऊं। पंखा ऐसा चलता है ना कि जैसे उंगली से पंखे को ऐसे ऐसे हिलाओ, और कल रात में तो लाइट आई नहीं, लाइट बनती है ट्रांसफार्मर फिर जल जाता है, लाइट बनती है फिर जल जाता है, यही रात भर हो रहा था। 1 बजे लाइट आई उसके बाद चली गई और आती है तो ऐसा जैसे लग रहा है लाइट में जान ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखो इसी खटिया पे हम बैठे हैं और इसी खटिया पे हम और मम्मी दोनों लोग सो गए थे। सुबह जब जगे तो दोनों लोगों का पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि गर्मी इतनी भयानक थी। नींबू पानी पी के लेटे थे, जब हमको थोड़ा आराम मिला तो हम जगे और नहाए। नहाने के बाद ये देखिए इतना ढेर सारा हमने कपड़ा धुला, पूरे छत पे कपड़ा कपड़ा है। कपड़ा धुलने के बाद हम सोचे क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। बहुत अच्छी चल रही है लेकिन छत पे चल रही है और यहाँ पे धूप भी आ जाती है। अभी तो हम पेड़ के नीचे बैठे हैं और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि धान कैसे उखाड़ रहे हैं और खेतों का क्या हाल है गर्मी के कारण। बेड़ उखाड़ रहे हैं लेकिन खेतों में पानी ना होने की वजह से हल्का हल्का है उसमें गीलापन, लेकिन वो उखड़ नहीं रही है। तो इधर तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे खेत में धान लग गया है और जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगी, तो इधर धान लग गया है। ये देखो ये बेड़ इसी से उखाड़ के एक एक पूरे खेत में लगाया गया है। जिस दिन लगा रहे थे उस दिन हम बाहर गए थे वीडियो शूट करने के लिए कड़े धाम, उसी दिन ये लगा था तो हम वीडियो नहीं बना पाए, बट इस खेत में लगेगा तो हम बनाएंगे ज़रूर, क्योंकि हम पूछ लेंगे जिस दिन लगाएंगी तो आपको बताएंगे। और इधर देखो ये बेड़ उखाड़ उखाड़ के रख रहे हैं सब लोग, आप देख सकते हैं खेत में भी पानी लगा है, नीचे इसी खेत में पानी लगा है ट्यूबवेल से, वो देखो पाइप आया है उधर से। और इधर सब लोग उखाड़ रहे बेड़ और इसको ले कर जाएंगे, ये थोड़ा दूर खेत है यहाँ पर डाले हैं बेड़ तो सब लोग उखाड़ के ले जा रहे हैं। भाई कसम से उतारे बहुत गजब की गर्मी है, इतना दिमाग ख़राब है ना मैं क्या बताऊँ। रात में दोनों लोग एक पे सो गए, मैं इतना ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखो अभी मैंने ये चाय पत्ती तोड़ी है, नीचे चाय चढ़ा के आई हूँ, अब जा रहे हैं चाय पत्ती डालने। सबसे पहले चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर सोच रहे हैं खाना नहीं बनाएंगे, हल्का सा ही कुछ बना लेंगे, सोच रहे खिचड़ी बना लें सिंपल सा, क्योंकि पेट में दर्द भी है और एक नहीं दोनों लोगों को दर्द है। चलिए दोस्तों चाय बनाते हैं और फिर बाहर दिखाते हैं आंटी लोग कैसे बेड़ उखाड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी गर्मी है, बाप रे भाई बहुत गर्मी है। ऊपर हवा चल रही थोड़ा राहत है लेकिन नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हवा भी आ गई है, इसके नीचे हम छत के यहीं पे खड़े हैं और जा रहे हैं अब चाय पत्ती डालने, नहीं तो मेरी चाय तो पक ही जाएगी। तो दोस्तों नीचे आ गए हैं, ये देखिए खेत में पानी लगा है क्योंकि बेड़ उखाड़ते नहीं बन रही थी, खेत सूखा था तो बेड़ उखड़ ही नहीं रही थी। और इधर ये देखिए इधर ये पाइप लगा है, टंकी से पानी आ रहा है, भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो बारिश हल्की फुल्की डेली होती भी है अगर थोड़ी बहुत तो खेत में असर ही नहीं करती है। तो ये देखो आंटी लोग अब पानी भर जाए तो फिर उखाड़ेंगी, तो आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब उस खेत में पानी लग चुका है और इस भाई पाइप वाले पानी से कुछ काम नहीं होगा, टंकी के पानी से और ट्यूबवेल का पानी अब इस खेत में पाइप रखेंगे भैया तो इस खेत में भी पानी जाएगा ताकि आसानी से उखाड़ सके और जल्दी जल्दी उखड़ सके। ऐसे बहुत हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उखाड़ने में। अब इस खेत में देखो भैया ने पाइप रख दिया है, अब आंटी लोग इस खेत में भी उखाड़ेंगी।
घर मकई नितिन के घरवा हुआ कही हम चला बताई नितिन के घर हम वही अम्मा के नहुआए गए कपड़ा उनके धोवो तो इनके टिट्टी कर रही हैं हम कहा बेटा नहा ले थी तुमसे मिली अब बैठो। दोस्तों आज सूर्य भगवान भी अपने जोरों शोरों पे अपनी किरणें बिखेरने में लगे हैं। बहुत तेज़ धूप है, इतनी डेली नहीं रहती थी, अभी 10 ही बजे हैं लेकिन बहुत तेज़ धूप है। तो भाई देख लीजिए किसान कितना मेहनत करता है, ये चावल की खेती है, धान की खेती है, चावल पैदा करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अन्न का अनादर अपमान न करें, जितना खाना है उतना ही खाएँ। धूप है, इधर उधर कहीं कहीं छाँव है, तो ये पे हम खटिया डाल के बैठे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने चाय पी ली है, खेत भी दिखा दिया कि आंटी लोग मेहनत कर रही हैं। आप सोच सकते हैं एक अनाज को पैदा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप सोच सकते हैं कि इतनी धूप में किसान कितनी मेहनत करते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जय जवान जय किसान। अगर किसान नहीं है तो हम लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं उधर आंटी लोग इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रही हैं और अभी हम आ गए छत पे, भाई बैठे हैं फिर से हम अपने खटिया पे बैठे हैं और पूरे छत पे धूप है। इधर ये देखिए महुआ का पेड़ है, तो इसी पेड़ के नीचे हम बैठे हैं। नीचे लाइट बिल्कुल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 दिन से लाइट बन ही नहीं पा रही, जैसे ही बनती है इतनी ज़्यादा गर्मी है तो सब लोग एसी कूलर चला चला के पूरी लाइट का इतना ज़्यादा पावर हाई कर देते हैं ना कि तार की केबल ही जल जाती है और ट्रांसफार्मर ही जल जाता है। फाइनली अब मेरा थोड़ा पेट को भी आराम है, हल्का हल्का दर्द है, तो मम्मी बोली कि अभी खिचड़ी मत डालो, थोड़ी देर बाद डालना तो खाएंगे। तो अभी हम लोग चाय पी के, मम्मी नीचे हैं, हम हैं छत पे, अब जा रहे हैं हम वीडियो एडिट करने और आपके साथ शेयर करने। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको कैसी वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो थोड़ा सा आइडिया मिल सके कि मेरे व्यूअर्स कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स बाय। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके यहाँ कैसी गर्मी है, बारिश हो रही है, धूप है, कैसी गर्मी हो रही है, आपके यहाँ धान लगा कि नहीं लगा, आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ गर्मी कैसी है, आपके यहाँ खेतों में धान लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।